हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कैरिज इनवर्ड की जनरल एंट्री क्या होती है। कैरिज इनवर्ड होता क्या है? कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है जब मैं कोई सामान खरीदता हूं तो मुझे उसको लाने के लिए कुछ पे करना पड़ता है ना, भाई, ऑटो वाले को, बस वाले को, ट्रक वाले को, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, चलो देखते हैं। 800 कैरिज इनवर्ड पेड इन कैश फॉर गुड्स परचेज। मैंने कोई गुड्स खरीदा, लेट्स सपोज मैं जयपुर में रहता हूं, मुंबई से मैंने गुड्स खरीदा, मुंबई पे जयपुर में, लेट्स सपोज वो ट्रेन में आया तो भाई मुझे भाड़ा देना पड़ेगा ना, तो भाड़े को ही तो मैंने सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज कर लिया, कैरिज इनवर्ड 800 रुपए, तो इसकी भैया जनरल एंट्री क्या होगी। देखो भाई, मैंने कैश में पे किया और मैंने क्या खर्चा किया, कैरिज इनवर्ड खर्चा किया। ओके, तो कैश मेरा एसेट है, आप सबको पता है, जैसे ही मैंने उसको कैश पे किया मेरा कैश कम हो गया, तो एसेट मेरा कम हो गया तो वो हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, और कैरिज इनवर्ड क्या है, मेरा खर्चा है, और जब जब खर्चा होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैरिज इनवर्ड डेबिट, डेबिट करूंगा टू, मैंने कैश पे कर दिया 800 रुपए का, और ये मेरी एंट्री हो गई है। डिटेल वीडियो के लिए नीचे क्लिक करिए एंड जस्ट फॉलो करिए अकाउंट फंडा को।